जनवरी मधुपुर के स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पूरा किया है। गाड़ी संख्या 18617/D18618 रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस के मधुपुर तक विस्तार के साथ पूरी हुई। निशिकांत दुबे ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेनों का यह विस्तार इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की मधुपुर तक इस ट्रेन के विस्तार की मांग को पूरा किया गया। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इस ट्रेन को मधुपुर तक विस्तारित करके मधुपुर जिले को सीधे झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ने की व्यवस्था की है। वहीं मौके पर बोलते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विभिन्न राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। दुबे ने इस दौरान प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी बधाई दी है। और दोपहर में रांची जाने के लिए हम लोगों को कोई ट्रेन नहीं थी, तो सुबह रांची से खुलेगी, यहाँ पहुँचेगी दोपहर में, और फिर दोपहर में यहाँ से खुलेगी और रात में रांची जाएगी। तो ये जो समय था सुबह और शाम के बीच जो रांची जाने के लिए ट्रेन नहीं थी, वो हम लोगों को मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के बहुत आभारी हैं, इतना बड़ा काम जो है, इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को मिला। और भी आता है कि हम लोगों को मिलेगी, गिरिडीह के लोगों को इतने वर्षों में जो है दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो वो ट्रेन जो है वो जसीडी से जाएगी, जो गिरिडीह होते हुए जाएगी। तो गिरिडीह कोडरमा के लिए सातवां दिन जो है हम लोग को 7 दिन के लिए ट्रेन नहीं है, जबकि इतने टूरिस्ट आते हैं, 5 करोड़ लोग आते हैं देवघर पूजा करने के, तो 7वें दिन हम लोगों को मिलेगी। इसके अलावा कई एक ऐसी ट्रेनें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अपने को एक ट्रेन मिल गई है दुमका से लंबी दूरी की कोई ट्रेन नहीं थी, तो दुमका से पटना के लिए एक बहुत अच्छी ट्रेन मिल गई है जो वाया भागलपुर जाएगी, 6 घंटे में दुमका से वो लोग पटना पहुंच जाएंगे। मधुपुर स्टेशन का क्या? मधुपुर के लिए वॉशिंग पिट मैंने कहा 20 करोड़ रुपया के लिए, ट्रेन के लिए 6 करोड़ रुपया, जो एक्सीडेंट यदि हो जाएगा तो बड़ा क्रेन अपने को मिलने वाला है। उसके अलावा मधुपुर डेवलपमेंट के लिए, स्टेशन डेवलपमेंट के लिए 4.5 करोड़ रुपया अलॉटेड है, वो मिलेगा। इसके अलावा भी यदि उसमें पैसा लगेगा तो 10 से 15 करोड़ रुपया जो है मधुपुर स्टेशन पे खर्चा होगा। हमने सेकेंड एंट्री के लिए कहा है, सेकेंड एंट्री की भी बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि मधुपुर का जो समुचित विकास होना चाहिए उससे ज्यादा विकास। रेलवे के इस फैसले से देवघर से अब राजधानी रांची जाना आसान हो गया है। मधुपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हरी झंडी दिखाने के समारोह में आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक चेतनानंद सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। देवघर से विजय सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।